दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जिस इंसान ने इस संसार में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन जरूर जाना है। यही संसार का परम सत्य है और ये चीज केवल इंसानों पर लागू नहीं होती बल्कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज पर लागू होती है। नासा के वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स भी इससे अलग नहीं है। साल 1977 में लॉन्च किए गए ये स्पेसक्राफ्ट्स आज सोलर सिस्टम के हेलियोस्फीयर को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में घूम रहे हैं। पिछले करीब 44 सालों से इन स्पेसक्राफ्ट्स ने हमें आउटर सोलर सिस्टम के बारे में इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दिए हैं, लेकिन आखिर कब तक ये स्पेसक्राफ्ट्स ऐसे ही स्पेस में आगे बढ़ते रहेंगे? कब तक ये हमें यूनिवर्स की ऐसी ही झलकियां दिखाते रहेंगे? क्या इसका जवाब हमेशा के लिए है? जी नहीं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम इन स्पेसक्राफ्ट से कॉन्टैक्ट खो देंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स कितने समय तक यूं ही हमारे कॉन्टैक्ट में रहने वाले हैं, वो इस बचे हुए समय में हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं, कब उनका कॉन्टैक्ट हमसे हमेशा के लिए कट जाएगा और एक बार कॉन्टैक्ट छूट जाने के बाद वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स का क्या होगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए चलते हैं वॉयजर स्पेसक्राफ्ट के सफर पर। दोस्तों, ये बात तो साफ है कि वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स हमारे लिए आज तक के सबसे सक्सेसफुल स्पेस मिशंस में से रहे हैं। इन्होंने ना सिर्फ अपने इनिशियल मिशंस को पूरा किया है बल्कि एक्सटेंडेड मिशंस को इतना ज़्यादा एक्सटेंड किया और सक्सेसफुल बनाया जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। ये स्पेसक्राफ्ट्स आज हमसे करोड़ों किलोमीटर्स दूर निकल चुके हैं और हम इंसान इनसे एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। जी हाँ, हम इनसे बात कर सकते हैं लेकिन अब मिलना कभी भी नहीं हो पाएगा। पर अफसोस, हर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स की तरह वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स भी हमारे साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाले। फिलहाल वॉयजर 1 में 4 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं और वॉयजर 2 में इनका नंबर सिर्फ 5 बचा है। ये स्पेसक्राफ्ट्स अपने समय की सबसे शानदार टेक्नोलॉजी से बने हुए थे और इनमें मोस्ट एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए थे, लेकिन ये सब तभी तक चल सकता है जब तक इन्हें पावर सप्लाई मिलती रहे। जैसे ही इनकी बैटरी डाउन हो जाएगी वैसे ही ये काम करना भी बंद कर देंगे। लेकिन आखिर उन्हें ये पावर मिल कैसे रही है? वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स में फ्यूल के तौर पर रेडियोएक्टिव प्लूटोनियम का यूज किया गया था, जिससे निकलने वाली हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और फिर इसी इलेक्ट्रिसिटी से ये स्पेसक्राफ्ट चलते हैं। 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया वॉयजर 1 स्पेसक्राफ्ट आज स्पेस में ट्रेवल कर रहा इंसानों का बनाया हुआ सबसे फारदेस्ट ऑब्जेक्ट है। फिलहाल ये धरती से 23.26 बिलियन किलोमीटर दूर पहुंच चुका है। ये एक घंटे में करीब 61,200 किलोमीटर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। वो तो शुक्र हो नासा के डीप स्पेस नेटवर्क का, जिसके कारण हम इतनी डिस्टेंस के बावजूद भी अभी तक वॉयजर स्पेसक्राफ्ट से कॉन्टैक्ट कर पा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाइनमो के बारे में बताऊंगा। ये दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और फॉरेन करेंसीज जैसे US डॉलर्स और यूरो वगैरह पे भी, और आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मैं एक 700 रुपए का ट्रेड अप करता हूं कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और थोड़ा सा रुकते हैं एंड यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में सिर्फ 24 घंटों के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपए है और हाँ, आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हो जिससे कि आपकी डिपॉजिट डबल हो जाएगी। यानी कि जैसे आप 400 रुपए का टॉपअप कीजिए और 800 रुपए पाइए। तो डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे लिंक से बाइनमो को डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपए पाइए, जिससे आप नई ट्रेडिंग लर्निंग स्किल्स और स्ट्रेटजीज प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप एक्सपीरियंस होंगे उतनी आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग की स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। लेकिन हाँ दोस्तों, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपके कैपिटल को रिस्क होता है। सो फ्रेंड्स, आज ही बाइनमो डाउनलोड कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई एम ए बिन नो मिस्ड आर यू। नासा का DSN यानी कि डीप स्पेस नेटवर्क वॉयजर 1 से कम्युनिकेशन के लिए एक 20 किलोवाट रेडियो सिग्नल को भेजता है। अगर हम अभी ये सिग्नल वॉयजर को भेजते हैं तो इसे वहां तक पहुंचने में 21 घंटों से भी ज्यादा का समय लग जाता है। इसके बाद वॉयजर 1 में लगे सेंसिटिव एंटेना इस सिग्नल को कैप्चर करता है और फिर 20 वाट पावर वाला एक रेडियो सिग्नल हमें वापस भेजता है। अब यहां आप थोड़ा सा गौर करना, हम वहां 20 किलोवाट पावर का सिग्नल भेजते हैं और वापस आता है 20 वाट पावर का।
ये सिग्नल बहुत ज्यादा वीक होता है और इसे डिटेक्ट करना हर दिन के साथ साथ कठिन होता जाता है। रेडियो सिग्नल्स के थ्रू हम स्पेस में मौजूद किसी भी स्पेसक्राफ्ट से कितनी भी दूरी होने पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ शर्त यह है कि स्पेसक्राफ्ट के पास सिग्नल्स भेजने के लिए पावर सप्लाई भी होनी चाहिए। हर दिन के साथ वॉयजर 1 की टोटल बची हुई इलेक्ट्रिसिटी भी कम होती जा रही है। साल 1990 में वॉयजर 1 की लगातार कम होती पावर सप्लाई पर रोक लगाने और इसे लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मिशन से जुड़े साइंटिस्ट ने इसके कैमरे को ऑफ करने का फैसला लिया था। हालांकि उससे पहले महान अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन के रिक्वेस्ट पर उन्होंने वॉयजर 1 के कैमरा को धरती की ओर रोटेट किया था और धरती से करीब 600 करोड़ किलोमीटर की दूरी से इस ग्रह की तस्वीर ली थी। इस फोटोग्राफ को हम द पेल ब्लू डॉट के नाम से जानते हैं और ये धरती की सबसे दूरी से ली गई फोटोग्राफ है। वैसे अगर आप धरती और सोलर सिस्टम के कुछ ऐसे ही हिस्टोरिकल फोटोज को देखना चाहते हो तो हम इससे जुड़ा एक वीडियो पहले ही ला चुके हैं, उस वीडियो को जरूर देखना, लिंक ऊपर आके बटन पर मिल जाएगा। दोस्तों आज वॉयजर 1 सोलर सिस्टम से बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल कर रहा है। 22 अगस्त 2012 को यह धरती के हेलियोपॉज को क्रॉस करने वाला पहला मैनमेड ऑब्जेक्ट बना था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिलहाल इसके सिर्फ 4 इंस्ट्रूमेंट्स ही एक्टिव है। इन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल आउटर स्पेस की मैग्नेटिक फील्ड्स, सोलर विंड्स और कॉस्मिक रेज को मेजर करने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें लगे रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर साल 2025 तक इसको पावर सप्लाई कर सकता है और इसके बाद इस स्पेस क्राफ्ट से हमारा कॉन्टैक्ट हमेशा के लिए टूट जाने वाला है। कुछ ऐसी ही कहानी वॉयजर 2 की भी है। इसे वॉयजर 1 से 16 दिनों पहले 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया था। 5 नवंबर 2018 को यह स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर मीडियम में एंटर हुआ था और फिलहाल ये धरती से 19.34 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट से फिलहाल तक तो इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है, लेकिन साल 2025 के बाद हमें इन्हें अलविदा कहना ही होगा। एक समय ऐसा आएगा जब ये स्पेसक्राफ्ट हमें आखिरी सिग्नल भेजेंगे और फिर हमेशा के लिए हमसे जुदा हो जाएंगे। उसके बाद ये अगले हजारों सालों तक स्पेस के अंधकार में घूमते रहेंगे और इनको मॉनिटर करने वाला कोई भी नहीं होगा। अगले कुछ 100 सालों में ये इतनी दूर निकल चुके होंगे कि सोलर सिस्टम के एक छोटे से ग्रह पर बने इन स्पेसक्राफ्ट के लिए सूरज सिर्फ लाइट का एक सोर्स रह जाएगा। और अगर तब हम इन स्पेसक्राफ्ट के नजरों से देखें तो इस अनंत ब्रह्मांड में दिखने वाले दूसरे तारों और हमारे सूरज में कोई भी फर्क नजर नहीं आएगा। अगले करीब 300 सालों के बाद वॉयजर 1 ऊट क्लाउड में एंटर हो जाएगा और इसकी दूसरी ओर से निकलने में इसे 30,000 सालों का समय लग जाएगा। जी हाँ, इंसान के बनाए वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड स्पेसक्राफ्ट को सिर्फ सोलर सिस्टम को पार करने में 30,000 से ज्यादा साल लग जाने वाले हैं। यहाँ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे के 40,000 करोड़ सोलर सिस्टम्स में से एक है और मिल्की वे ब्रह्मांड की 2,00,000 करोड़ गैलेक्सीज में से सिर्फ एक है। ये फैक्ट यूनिवर्स के स्केल पर हम इंसानों की औकात जानने के लिए काफी है। आज से करीब 40,000 साल बाद वॉयजर 1 ग्लीज 445 स्टार से 1.6 लाइट ईयर्स की दूरी से पास होगा और आज से 3,00,000 साल बाद यह TYC 3135 521 स्टार से 1 लाइट ईयर्स दूर से गुजरेगा। अब बात करें वॉयजर 2 स्पेसक्राफ्ट की तो इसे भी ऊट क्लाउड को पार करने में कम से कम 30,000 साल तो लग ही जाएंगे। आज से 42,000 साल बाद यह स्पेसक्राफ्ट रॉस 248 स्टार के करीब से निकलेगा। आपको बता दूं कि रॉस 248 वही स्टार है जिसके बारे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह आज से 80,000 साल बाद हमारे सोलर सिस्टम के काफी करीब आ जाएगा और फिर यह प्रॉक्सिमा सेंटोरी को ओवरटेक करके सोलर सिस्टम के सबसे करीब वाला स्टार बन जाएगा। अगर वॉयजर 2 अगले करीब 2,96,000 सालों तक बिना किसी रोक टोक के ट्रेवल करता रहा तो यह आसमान में देखने वाले सबसे ब्राइटेस्ट स्टार सीरियस के पास से गुजरने में कामयाब होगा। मिल्की वे का एक चक्कर लगाने में इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को कम से कम 20 करोड़ साल लग जाने वाले हैं, बशर्ते ये किसी ऑब्जेक्ट से ना टकराए और कोई एलियन सिविलाइजेशन इसे कैप
कैप्चर ना कर ले। वॉयजर स्पेसक्राफ्ट से जुड़े एक पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन स्पेसक्राफ्ट्स के साथ गोल्डन रिकॉर्ड्स भेजे गए थे। इन गोल्डन रिकॉर्ड्स में धरती, यहाँ पर रहने वाले इंसानों और हमारी लोकेशन के बारे में बहुत सारा डेटा रिकॉर्डेड है। अगर फ्यूचर में कोई एलियन सिविलाइजेशन इन स्पेसक्राफ्ट्स को कैप्चर कर लेती है और इस टेक्नोलॉजी को समझने में काबिल होती है, जो वो ऑब्वियसली होगी, तो वो इंसानों के अस्तित्व के बारे में जान लेंगे और शायद हमसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि उस समय तक हम इंसान कहाँ होंगे, हम धरती को छोड़ के किसी दूसरे प्लैनेट पर चले गए होंगे या फिर एक दूसरे से लड़कर यहीं बर्बाद हो चुके होंगे, ये तो कोई नहीं जानता। यहाँ एक चीज बहुत गहराई से सोचने वाली है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस वीडियो को देख रहे ज्यादातर लोग 10 से 35 साल के बीच के होंगे, यानी कि आपका जन्म 1985 के बाद ही हुआ होगा। ये स्पेसक्राफ्ट्स उस समय स्पेस की सैर पर निकल गए थे जब मैंने और आपने जन्म भी नहीं लिया था। जब हम धरती पर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं तब ये दूर अंतरिक्ष में ट्रैवल कर रहे होते हैं। साल 2025 में शायद हम इन स्पेसक्राफ्ट्स को अंतिम बार अपने इन्वेंटर्स यानी कि इंसानों से बात करते हुए देखेंगे और फिर ये हमेशा के लिए अनंत ब्रह्मांड की सैर पर निकल जाएंगे। ये हमसे पहले भी थे, आज भी है और हमारे बाद भी रहेंगे। ये शायद उस समय तक स्पेस में ट्रैवल करते रहेंगे जब तक धरती पर जीवन खत्म ना हो जाए या शायद धरती ही खत्म ना हो जाए। जरा सोचिए, ये साइंटिस्ट अपने पूरी लाइफ को डेडिकेट करके उस चीज के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं जिसका पता शायद उन्हें उनकी लाइफ में चलेगा ही नहीं। सर स्टीफन हॉकिंग ने अपनी लाइफ टाइम में ब्लैक होल के बारे में स्टडी की और ब्लैक होल की पहली इमेज हम उनकी मौत के बाद ले पाए। हम सभी को भी अच्छे से पता है कि शायद हम इंसान हमारे लाइफ टाइम में तो सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स की सैर नहीं कर पाएंगे। दूर दूर की गैलेक्सीज की सैर करना, ये यूनिवर्स कितना बड़ा है ये पता करना और मल्टीवर्स होता है या नहीं ये जानना, इनमें से कोई भी चीज आपके और मेरे लाइफ टाइम में पॉसिबल नहीं हो पाएगा शायद, लेकिन फिर भी हम एक्साइटेड रहते हैं। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो, हम इंसान ऐसा क्यों करते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। अगर आप नए हो इस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।